नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली के मरकज से हिमाचल कनेक्शन से हड़कंप। निजामुद्दीन में शामिल थे 17 हिमाचली, सभी की राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल जाँच। हिमाचल में 14 तक बढ़ा कर्फ्यू, स्कूल दफ्तर रहेंगे बंद। कोरोना के 17 और सैंपल नेगेटिव, अब तक कुल 229 की जांच। प्रदेश के 2.5 लाख छात्रों को घर में मिलेगा मिड डे मील। डीजीपी फिर बोले, जो जहां है वहीं रहे। यूजीसी के 10 ऑनलाइन लिंक से स्टडी करेंगे लाखों छात्र। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना को लेकर मंगलवार को सारा हिमाचल एक बार फिर सन्न रह गया। पता चला है कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से कोरोना वायरस संदिग्धों में हिमाचल के 17 लोग भी शामिल हैं। इनमें 14 लोग चंबा, 2 सिरमौर व 1 कुल्लू जिला से संबंध रखता है। चंबा जिला के 14 लोग तीसा व सलूनी क्षेत्र से बताए गए हैं। हालांकि आरंभिक सूचना के मुताबिक प्रदेश के लिए राहत भरी बात ये है कि ये सभी अभी दिल्ली में ही हैं, जहां इन लोगों की मेडिकल जांच की गई है। एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका भटुंगुरु ने बताया कि जांच में इन लोगों में कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। वहीं उपायुक्त सिरमौर आर के पुरुथी ने भी जिला से दोनों लोगों के वहां होने की पुष्टि की है। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल सरकार ने आगामी 14 अप्रैल तक कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। इस दौरान प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी ऑफिस बंद रहेंगे। कर्मचारियों को घर पर रहने को कहा गया है। ऐसे में पहले की तरह शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी, वहीं सरकारी निजी बसें भी बंद रहेंगी। प्रत्येक जिला प्रशासन अपने स्तर पर कर्फ्यू में छूट देगा। सड़कों पर सिर्फ इमरजेंसी वाहन ही दौड़ेंगे। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के कुल 17 टेस्ट हुए। इनमें सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुल सैंपल में आईजीएमसी और केएनएच से एक एक नमूना लिया गया था, जबकि टीएमसी में 15 नमूनों की जांच हुई है। प्रदेश में अब तक 229 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें 226 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में अभी 3,396 लोग निगरानी में हैं, जबकि 1,168 ने अपना निगरानी पीरियड पूरा कर लिया है। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं कि 2.5 लाख छात्रों को घर पर ही मिड डे मील दिया जाए, यानी अब जिला उपनिदेशकों को मिड डे मील छात्रों को घर तक देना होगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के खौफ के चलते स्कूल बंद हैं। जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो मिड डे मील का जो राशन प्रदेश के स्कूलों में है उसे इन छुट्टियों में भी छात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति के बीच ये संभव नहीं हो पाया। इसे देखते हुए एक बार फिर से निदेशालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के पुलिस प्रमुख सीताराम मरड़ी ने कहा है कि 14 अप्रैल तक एक दूसरे राज्य में आने जाने पर पूरी तरह से रोक है, इसलिए हिमाचल में भी किसी को आने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे राज्य में रह रहे हिमाचली अब 14 अप्रैल तक जहां हैं वहीं रहें। कानून के अनुसार अब एक राज्य से दूसरे में मजदूर और अन्य लोग आ जा नहीं सकते हैं। अगर प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों का एक दूसरे राज्य आना जाना रहेगा तो संबंधित जिला के डीसी और एसपी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।
मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी व बिलासपुर स्थित संस्थान में जेईई नीट एनडीए व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। तो आइए और अपना भविष्य संवारिए। पिछले 4 सालों में जहां एक और इस संस्थान से कोचिंग प्राप्त कर 50 से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है, वहीं 70 से अधिक बच्चों ने विभिन्न आईआईटी व एनआईटी में प्रवेश प्राप्त किया है। बिलासपुर व घुमारवी स्थित संस्थान में क्रैश कोर्स 2020 में जल्दी से जल्दी दाखिला लेकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस कोर्स में सीटें सीमित हैं, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरी जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना के खतरे के बीच अब स्कूलों की तरह कॉलेज व विश्वविद्यालय में भी छात्र ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे। यूजीसी ने 10 ऑनलाइन साइट तैयार की हैं। इन सभी ऑनलाइन स्टडी साइट का इस्तेमाल करने के आदेश सभी संस्थानों के प्रोफेसर और छात्रों को दिए गए हैं, ताकि कर्फ्यू के कारण घर में कैद छात्रों की पढ़ाई पर कोई फर्क ना पड़े। कोरोना से लड़ाई में प्रदेश के बिजली कर्मी सामने आए हैं। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने विद्युत बोर्ड की ओर से 3 करोड़ और वन मिनिस्टर कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। उन्होंने ये चेक सीएम जयराम ठाकुर को भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस अंशदान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। कोरोना वायरस से लड़ाई के बीच कुछ लोग अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे। प्रदेश में अब तक फेक न्यूज के 15 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें मंडी में सबसे अधिक 4 केस दर्ज हुए हैं, वहीं शिमला, कांगड़ा और बद्दी में 2-2 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा ऊना, हमीरपुर व चंबा में 1-1 मामला दर्ज हुआ है। गौर रहे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने साफ कर दिया था कि भ्रांतियां फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कल यानी 1 अप्रैल को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के मैदानी व ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बारिश होगी। वहीं 2 अप्रैल से मौसम साफ रहेगा। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। और अब चलते चलते, प्रदेश में एक HAS समेत 250 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर, कोरोना के डर से नहीं हुए कार्यक्रम। कर्फ्यू में दूसरे प्रदेशों में फंसे हिमाचलियों की मदद को आई सरकार, सीएम ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। और पीएम केयर फंड पर हिमाचल कांग्रेस ने उठाए सवाल, राठौर बोले जब पहले बना है कोष तो नए का क्या तुक। नवरात्रि की पावन बेला पर आइए देखते हैं मनी लाडला की आवाज में ये माता की भेंट। बुलाया हो कहां पास मैं लाया पता चल जा।
रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि, कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।